नमस्कार। गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि सीढ़ियां वास्तु के अनुसार किस दिशा में होनी चाहिए आपके ऑफिस में, आपके घर में, और अगर गलत तरीके से बनी हुई हैं तो उनका उपाय आप क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक ट्रिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आपके घर, आपके ऑफिस, आपके कारखाने में बनी हुई स्टेयर्स अर्थात सीढ़ियों के बारे में, कि किस तरह से आपके घर ऑफिस में बनी सीढ़ियाँ ला सकती है आपके लाइफ, आपके कैरियर में गुड लक और बैड लक दोनों। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए इस अति महत्वपूर्ण जानकारी को। इस तरह की जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। शुरुआत कर लेते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 23 जनवरी 2021, माघ मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है। आज संध्या समय में पश्चिम दिशा में मुख करके काले या नीले आसन पर बैठकर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा। शनिदेव का ध्यान करके 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। जाप करने के पश्चात काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाइएगा, काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाइएगा। निश्चित तौर पर आज इस प्रकार शनिदेव को प्रसन्न करने से शनि जनित दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी। शनि के अशुभ महादशा से ढैया के अशुभ परिणामों से आपको मुक्ति मिलेगी। जी, और पंडित जी अब आगे बढ़ेंगे और जैसा कि आज हमारी विशेष चर्चा है सीढ़ियों के ऊपर कि सीढ़ियां वास्तु के अनुसार कैसी होनी चाहिए, तो आपसे जानना चाहिए। जी बिल्कुल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कारखाने में बनी हुई स्टेयर्स सीढ़ियां आपके घर की, आपके व्यापार की सुख शांति समृद्धि को प्रभावित करती है? जी हाँ दोस्तों, गलत दिशा में बनी हुई सीढ़ियाँ उस घर की, उस ऑफिस की, उस फैक्ट्री की शुभता को खत्म कर देती है, घर वालों की सेहत को खराब कर देती है, व्यापार की समृद्धि को खत्म कर देती है। ऐसा घर जिसकी स्टेयर सही नहीं हो, सीढ़ियाँ सही नहीं हो, उस गृह स्वामी को मृत्यु तुल्य कष्ट देती है। दोस्तों, घर बनवाते समय सिर्फ यही नहीं देखना चाहिए कि घर ईंट और सीमेंट का बने, बल्कि यह भी देखा जाता है कि किस दिशा में क्या बनवाना चाहिए। इसी तरह वास्तु के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके घर के अंदर होती है स्टेयर्स सीढ़ियां। सीढ़ियों का वास्तु में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र कहता है कि घर में सीढ़ियों को अगर सही दिशा में नहीं बनाया गया, सही डायरेक्शन में अगर घर, ऑफिस, कारखाने में सीढ़ियों को नहीं बनाया गया तो एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। क्योंकि घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, कारखाने में बनी हुई जितनी स्टेयर्स है, सीढ़ियां हैं, उस परिवार के, उस ऑफिस के, उस कारखाने के मुख्य व्यक्ति की आमदनी पर, इनकम पर सीधा अटैक करती है, जिस वजह से परिवारजनों को, उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। आपके घर, ऑफिस, कारखाने की जो स्टेयर्स है, सीढ़ियां हैं, यदि वास्तु नियमों के अनुसार बनाई जाए तो निश्चित तौर पर उस घर के रहने वाले सदस्यों के लिए, उस कारखाने में, उस ऑफिस में काम करने वाले सदस्यों के लिए कामयाबी एवं सफलता की सीढ़ियां बन जाती यदि वास्तु सम्मत है। बस आवश्यकता क्या है, सीढ़ियां बनाते समय वास्तु के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली सभी कुछ एक साथ पा सकते हैं अगर स्टेयर सही है। तो सीढ़ियां, स्टेयर संबंधित वास्तु के नियम क्या है,
आइए जानते हैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में। सबसे पहले जान लेते हैं कि घर में सीढ़ियाँ किस दिशा में होनी चाहिए और किस दिशा में नहीं होनी चाहिए। डेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पहला पॉइंट, घर का, ऑफिस का, फैक्ट्री का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर अर्थात ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर का कोना, इसमें कभी भी सीढ़ियों का निर्माण स्टेयर्स कभी भी वहां पर भूल कर भी नहीं बनवानी चाहिए। किस जगह पे? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हल्का होना चाहिए, ईशान कोण हल्का होना चाहिए, वहां कभी भी भूल कर सीढ़ियां मत बनाइएगा। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में, ईशान कोण में आप स्टेयर्स बनवाते हैं, सीढ़ियां बनवाते हैं, तो आपके घर व्यापार की सुख शांति समृद्धि जीरो हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऐसे घर, ऐसे कारखाने, ऐसे ऑफिस में काम करने वाले लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, स्वास्थ्य की हानि होती, गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। यही नहीं, जो गृह स्वामी होता है, ऑफिस का ओनर हो चाहे घर का ओनर हो, दिवालिया होने की संभावना बन जाती अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्टेयर्स हैं, सीढ़ियां हैं तो। दूसरा, घर का आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट कॉर्नर, वहां पर अगर आपने स्टेयर्स बना रखी है तो अगर आपके साउथ ईस्ट कॉर्नर में आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व में सीढ़ियां हैं, स्टेयर्स हैं, तो आपकी जो संतान है उसकी सेहत पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, संतान कुमार्ग पर चलने लगती है, घर में हमेशा कलह कलेश बना रहता है, क्रोध की अधिकता बनी रहती है। तो कभी भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर साउथ ईस्ट में सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। वास्तु के अनुसार सीढ़ियां स्टेयर्स दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर बनाई जाए तो वो बहुत लाभकारी रहती है, साउथ में, वेस्ट में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में। बहुत अति आवश्यकता में घर के उत्तर पश्चिम कोण अर्थात वायव्य कोण में भी, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में भी सीढ़ियां बनाई जा सकती है। तो कहां होनी चाहिए, कहां नहीं होनी चाहिए, आप समझ गए। अब बात करते हैं कि कैसी हो सीढ़ियां। घर की जो सीढ़ियां हमेशा चौड़ी होनी चाहिए, व्यापक होनी चाहिए, क्योंकि बहुत पतली पतली संकीर्ण जो बनावट वाली जो स्टेयर्स होती है, सीढ़ियां होती हैं, वो कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, 3, 5, 7, 9, 11, 13 विषम संख्या में सीढ़ियां होनी चाहिए। सीढ़ियों के सही स्थान के अलावा किस दिशा की ओर घूमकर ऊपर की ओर जाती है, इसका भी विशेष ध्यान रखना होता है। सीढ़ियां चढ़ रही हैं तो किधर जा रही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में बना हुआ आपका कोई बेडरूम है, घर में बना बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ है, तो ऊपर जाने वाली सीढ़ियां घड़ी की दिशा के अंदर घूमनी चाहिए, क्लॉकवाइज। लेकिन यदि बेडरूम ग्राउंड के फर्स्ट फ्लोर पर बना हुआ है, ग्राउंड पे नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पर है, तो सीढ़िया का जो मुख है वो घड़ी की उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। ग्राउंड पे है तो क्लॉकवाइज, और अगर फर्स्ट फ्लोर पे है तो एंटी क्लॉकवाइज आपको सीढ़ियों का मुख रखना है, डायरेक्शन रखना है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। जी, तो लगातार पंडित जी आप सभी को जानकारी दे रहे हैं, और चलिए आगे भी जान लेते हैं, और साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि सीढ़ियां अगर गलत तरीके से बनी हैं तो आपको क्या करना है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, स्टेयर्स की बात कर रहे हैं। सीढ़ियों का प्रारंभ, फर्स्ट सीढ़ी त्रिकोणात्मक सीढ़ी या गोलाई में फर्स्ट सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, ट्राइंगल शेप में पहली सीढ़ी नहीं हो या गोलाई के शेप में पहली सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। ब्रह्म स्थान, आपके घर का जो बीच का जो स्थान है, बीचों बीच का जो स्थान है, ब्रह्म स्थान कहलाता है, वहां पर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए।
और आपके मेन डोर के ठीक सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, दरवाजे के सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो स्टेयर से सीढ़ियां हैं, भूल कर भी उसमें लाल रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रेड कलर सीढ़ियों में नहीं होना चाहिए, पेस्टल कलर होने चाहिए। सीढ़ियों से नीचे का भाग कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप वहां पर कोई छोटा सा कोठरी नुमा कमरा बना सकते हैं, स्टोर रूम दे सकते हैं, परंतु उसे सुसज्जित संगठित तरीके से बनाइए। सीढ़ियों के सामने कोई बंद दरवाजा नहीं होना चाहिए। आपकी स्टेयर्स आपकी सीढ़ियों के नीचे गलती से भी किचन मत बनवाइएगा। बहुत से लोग जगह को यूज करने के लिए या तो स्टेयर्स के नीचे बाथरूम बना देते हैं, टॉयलेट बना देते हैं, किचन बना देते हैं। ये अगर ऐसा आपके घर में टॉयलेट या किचन बना हुआ है स्टेयर्स के नीचे, तो आपके घर की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो हमेशा खराब रहेगी। बाथरूम नहीं बनाना है। सीढ़ियों के नीचे, स्टेयर्स के नीचे फिश एक्वेरियम नहीं रखनी है। ऐसी कोई भी वस्तु जो जल से संबंधित हो नहीं रखना है। घर के सदस्यों को धन एकत्रित करने में काफी परेशानी आती है। सीढ़ियों के आरंभ और अंत में द्वार बनाइए। एक सीढ़ी और दूसरी सीढ़ी के मध्य कम से कम 9 इंच का गैप होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे जूते, चप्पल, घर का बेकार सामान नहीं रखना चाहिए। जो लोग खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, किराएदारों को ऊपरी मंजिल पर रखते हैं, उन्हें मुख्य द्वार के सामने सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार किराएदार दिनों दिन उन्नति करते हैं और मकान मालिक दिनों दिन परेशानी में आते हैं। मुख्य दरवाजे के सामने बनी सीढ़ी आर्थिक अवसरों को समाप्त करती है। घर में घुसते ही किसी को सबसे पहले सीढ़ियां दिखाई नहीं दे, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी, और जल्दी से जान लेते हैं कि गलत सीढ़ियों का आपको क्या करना है। जी बिल्कुल, आइए जल्दी से समझ लेते हैं। यदि आपके घर में सीढ़ियां गलत हैं, क्या करें? दोबारा सीढ़ियां तो बना नहीं सकते, तो नए सिरे से बनाने का विचार अपने जहन में ला भी नहीं सकते हैं, भाई इतना चेंजेस नहीं हो सकता है। तो चलिए क्या चेंजेस करने, जल्दी से बता देता हूं। वास्तु विशेषज्ञ मार्गदर्शन में स्टोन पिरामिड की स्थापना सीढ़ियों में कर सकते हैं। पिरामिड उन सीढ़ियों से उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा को काट सकता है। मिट्टी के बर्तन में बरसात का जल भरकर मिट्टी के ढक्कन से ढक दें, सीढ़ियों के नीचे मिट्टी में दबा दें। चिड़ियों के लिए मिट्टी के एक बर्तन में 7 तरह के अनाज, दूसरे में पानी रखने से सीढ़ियों का वास्तु दोष खत्म होता है। 2 बांसुरी ले आइए, बांसुरी लगा दीजिए वी शेप में, निश्चित तौर पर उससे भी सीढ़ियों का वास्तु दोष खत्म होता है। जी, और पंडित जी इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।